नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 का लोन नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर दिया जा रहा है, जिसमें लोन प्रभारी राजेंद्र ने बताया कि 200 से 250 फॉर्म लोन के जमा हो चुके हैं, जिसमें से 100 लोगों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार स्तर वेंडर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिला रोजगार कार्यालय पंजीकरण, बेरोजगार के अंतर्गत लोन अभियान प्रक्रिया 2 महीने से शुरू हो चुकी है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के रहवासियों को इसका ब्याज तक भी नहीं देना पड़ेगा और जो 50,000 का लोन मिल रहा है नगर पालिका क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। भवानी मंडी नगर पालिका की जमीनों पर अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। 2 वर्ष पहले 15 से 16 मकान जवाहर कॉलोनी में स्थित बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनको निर्माण दुरुस्त कराने को लेकर कार्य अभी तक नहीं किया गया। वह नगर पालिका के खाली प्लाट पर पत्थर डालकर कब्जे किए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है उसमें अज्ञात लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। अब कब अधिशासी अधिकारी मौका मुआयना करवाएंगे? जब हमारी अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संज्ञान में आया है कि जिसकी जांच की रिपोर्ट हमने दे दी है। तुरंत ही जहां लोगों ने नगर पालिका के खाली पड़े प्लाटों पर जो पत्थर डाल रखे हैं उनको हटाने का कार्य बहुत जल्दी किया जाएगा और उसके लिए एक टीम बनाकर बहुत जल्दी उसे आदेश में या संज्ञान में लाया जाएगा। सर, नगर पालिका की जमीनों पर अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर डाले जा रहे हैं और कोई नगर पालिका की टाइटल जमीन है उन पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर आपके द्वारा? उसमें ये है कि सर्वे कराकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, अतिक्रमण है तो उसको नियमानुसार हटाएंगे। अभी जानकारी में जैसे आया कि जवाहर कॉलोनी के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से पत्थर डाल रखे हैं आपकी कॉलोनी पे, पूर्व समय में राम प्रकाश जी ने वहाँ पे अतिक्रमण हटाया भी था, लेकिन यथास्थिति में वहाँ पे मकान भी हैं बने हुए हैं, उसको लेकर सर आपके संज्ञान में है ये मामला? मेरे संज्ञान में वो मीडिया से, वो व्हाट्सएप से आया था, अब कर्मचारी को भेज के मौका दिखा गया, अब वो आते वो पता चलेगा उसको, उसके बाद उसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, एक जानकारी हो रही है कि पछपाड़ का जो तालाब है सर, एक विधिवत तालाब पे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, तो उस जिस तरह से अतिक्रमण अभियान वहाँ चल रहा है तो उसको रोक के लिए अभी तक क्या किया सर आपकी तरफ से? नहीं, अभी तो मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि मतलब आप द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, अगर ऐसा कोई है। मिसोली राजगढ़ बांध परियोजना राजगढ़ डैम से नहर में पानी छोड़ने से किसानों में खुशी का माहौल। रविवार को नहर में पानी छोड़ा गया जिसमें लगभग 13 किलोमीटर के किसान सिंचाई कर सकेंगे। कमलेश कुमार मीणा सहायक अभियंता ने बताया कि रविवार को जयन पुत्राम द्वारा पूजा अर्चना के बाद घरों में पानी छोड़ा गया, आगामी 2 दिनों के भीतर यह पानी के तक पहुंच पाएगा, जिससे पछपाड़ तहसील के चंद्रपुरा, मिचोली, भवानीपुरा, काड़खेड़ा आज के दिन पानी वाला नाल, नलखेड़ी, मोगरा, काली तलाई आदि इलाकों में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही मीणा ने किसानों से आग्रह किया कि वह आवश्यकता के अनुसार जल का सदुपयोग करें ताकि संबंधित सिंचाई के लिए पानी से प्राप्त हो सके। मौके पर राजगढ़ चीजनी गाँव के नेपाल सिंह राजगढ़, बने सिंह, अनाज सिंह, कंपनी प्रतिनिधि तूफान सिंह, रामू आदि मौजूद रहे। रायपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के टिकटिकिया गांव में पक्की सड़क व नालियों के अभाव में घरों का पानी सड़क पर फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग में फैले कीचड़ में मच्छर पनपने से बीमारियां फैल रही हैं, वहीं वाहन चालक फिसल कर घायल हो रहे हैं। ग्रामीण विनोद सिंह, तेज सिंह, जीवन सिंह, गुमान सिंह, जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, कमल, बहादुर, नटवर, मुकेश, विक्रम आर ने बताया कि इस समस्या से कई बार सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण डांगी को अवगत करा दिया गया, लेकिन लंबे समय के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीण जनता बेहाल है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में
तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर दे चरा है मामला अब जाओ साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा कुशवा टेंपल स्टोन एंड बैटरी हाउस झालावाड़ रोड एसडीएम कोर्ट के पास भवानी मंडी। हमारे यहाँ मंदिर निर्माण, मूर्तियाँ, छतरियाँ, मेहराब, पिल्लर, मंदिर सिंहासन, गुम्बज, तोरणधार, हवेलियाँ के झरोके धौलपुर पत्थर से बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर महेंद्र कुशवा, जिनका मोबाइल नंबर है 9509595949 9413595816। नोट, स्कूटर, बाइक, कार, ट्रैक्टर, बस, इन्वर्टर, यूपीएस, सभी प्रकार की बैटरियां उपलब्ध है। हमारा पता है भवानी मंडी, कृष्णा कॉलोनी, झालावाड़ रोड, एसडीएम कोर्ट के पास भवानी मंडी। विश्वकर्मा ग्लास हाउस, प्रोपराइटर लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा। हमारे यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा कांच की घिसाई, बर्फिंग एवं डिजाइन वर्क किया जाता है। दरवाजे खिड़कियों के 2 mm से 12 mm तक के ग्लास एवं थोक व रिटेल विक्रेता। टफन ग्लास को फिटिंग एवं सेफ्टी ग्लास का कार्य संतोषजनक किया जाता है। हमारा पता है शिवालय के सामने मेला मैदान, बंधा रोड, भवानी मंडी, राजस्थान। नरेश विश्वकर्मा, मोबाइल नंबर 7304775679460942808989516335। नगर पालिका भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। प्रशासन शहरों के संग अभियान, पट्टा वितरण अभियान। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शिविर में निम्न कार्य संपादित कराए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित कई विभागों के प्राथमिकता से कार्य संपादित किए जाएंगे। निवेदक, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी व समस्त नगर पालिका पार्षद भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल, निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।